आज हमारे सामने XUV500, ये एक आइकॉनिक कार है और इंडिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद किया और अब इसका ही एक सक्सेसर XUV700 आने वाला है होपफुली नेक्स्ट मंथ तक। और ये इसका 2016 वेरिएंट है और 2021 जून तक इसमें कोई भी बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ है, थोड़े बहुत एस्थेटिक चेंज और इंजन में अपग्रेड करा हुआ है। तो जानते हैं इसके बारे में, फुल डिटेल में आपके साथ बात करता हूँ और आपको हेल्प होगी ये जानने में कि अब जो नया आ रहा है उसमें कितना मेजर अपग्रेड वो करने को हमको देखने को मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ का तो हमको ऑलरेडी पता है, बट सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, खोलते हैं इसका इंजन बे। तो ये हमको मिल रहा है इसमें इसका इंजन, 2.2 लीटर का डीजल इंजन, 4 सिलेंडर इनलाइन। यहाँ पे आपको 138 bhp की पावर मिल रही है और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है, लेकिन जो अभी करंट वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें 153 bhp की पावर है। यहाँ पे आपको इंजन दिख रहा होगा, बीच में महिंद्रा की बैजिंग है और यहाँ पे एमहॉक 140 है और ऊपर इंसुलेशन दी गई है, ये कवरिंग अच्छी रहती है। आपकी जो इंजन नॉइस वगैरह है वो अंदर आने से रुकती है कैबिन में, तो कैबिन एक्सपीरियंस आपका थोड़ा अच्छा रहता है। पीछे की साइड भी आपको यहाँ थोड़ी बहुत दिख रही होगी, तो ये भी इसका भी ऐसा ही कुछ काम है। बाकी इंजन का सेटअप आपको दिख रहा है, नीट एंड क्लीन काफ़ी रखा गया है और ऊपर का ये चीज़ है तो पूरे इंजन को आपको कवर करके देता है ये। वो यहाँ सबसे पहले आपको महिंद्रा की बैजिंग दिख रही है और 2017 में ऐसी ग्रिल आती थी, कुछ उसके बाद चेंज हो गई थी, वो डायमंड स्टड वाली आ रही थी। कुछ ऐसा आपको यहाँ लाइट सेटअप देखने को मिल रहा है, ये LED DRLs आ रहे हैं आपके, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है और ये आपका कन्वेंशनल लैम्प मिल रहा है। साथ में ये एक और है यहाँ पे कॉर्नरिंग हेडलैम्प, ये आपका टर्न इंडिकेटर आ गया, नीचे की साइड आपका फॉग लैम्प आ जाता है। तो इस वेरिएंट में ये नहीं आता था, ये बाद में लगवाया गया है और क्रोम का अभी जो वर्क है वो बाद में लगाया है। ऊपर आपको दो वाइपर्स और ये काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन का इसका ये बोनेट हुड आता है यहाँ पे, तो चीता इंस्पायरिंग डिज़ाइन आपको इस गाड़ी का देखने को मिलता है। कुछ ऐसे आपको डोर हैंडल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे जो नॉर्मली किसी कार में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको XUV500 में ही देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी साइड लुक्स है, आप इसकी डायमेंशन की बात कर लो, 4.5 मीटर्स की इसकी और लेंथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 2.7 मीटर्स का आपको व्हील बेस देखने को मिलेगा, मतलब अंदर की जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रहने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस एक बार मैं अच्छे से आपको यहाँ दिखा दूँ इसका, तो यहाँ पे आपको इसका 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है। टायर्स की बात की जाए, इसका जो टायर प्रोफाइल है वो 235/65 R17 का है। स्टील रिम में ये व्हील्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मैकफर्सन विद एंटी रोल बार सस्पेंशन देखने को मिलती है। फ्रंट एंड बैक में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे और रियर वाली साइड पे आपको जो सस्पेंशन मिल रही है ये मल्टी लिंक टाइप विद एंटी रोल बार सस्पेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। पीछे की साइड ये फ्यूल लिड है, इसमें आपको 70 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। इसके डोर हैंडल्स की बात की जाए तो कुछ ऐसे यहाँ पे डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, अंदर की स्पेस भी दिखाते हैं। सीट जो सीट कवर्स है ये भी बाद में लगाए गए हैं, इनकी कॉस्टिंग भी बता देंगे। तो ये आते हैं इसके ORVMs, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल रहा है और इनकी विजिबिलिटी भी अच्छी है। इनका साइज ओवरऑल देखा जाए तो एग्जैक्टली मेरे हाथ के जितना है, तो ये भी काफ़ी बड़े हैं। इसके रियर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर और डिफॉगर देखने को मिल रहा है, थोड़ा पास से आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका रियर वाइपर एंड डिफॉगर आ गया। ऊपर की साइड आपको ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपके महिंद्रा की बैजिंग मिल रही है, इस साइड पे लिखा गया महिंद्रा और दूसरी साइड पे XUV500 और नीचे W6 की बैजिंग है। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ टेल लैंप्स देखने को मिलते थे जो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट्स और ये बाकी यहाँ पे रिवर्स पार्किंग वगैरह लगे हुए हैं। तो इसका बूट एक बार खोल के दिखा देता हूँ मैं, तो ये है इसका बूट स्पेस। जो टूल किट है वो आपको यहाँ इसके नीचे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको इसकी टूल किट मिल रही है। हमने इसकी ऑल रो सीट्स नीचे कर दिए, तो इसको नीचे करके आप अपना पूरा घर इसमें स्टोर करके लेके जा सकते हो। तो देख रहे होगे एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पे आपको दो एग्जॉस्ट इसमें देखने को मिलते हैं और ये नीचे आ जाता है आपका स्पेयर व्हील, जो कि अगेन स्टील रिम में दिया, फुल साइज 17 इंच का जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। और ये अंडर बॉडी कवरिंग आपको दिख रही है। तो ये डोर ओपनिंग वाइड मिल रही है हमको, यहाँ पे अंदर जाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको साथ में बॉटल होल्डर, थोड़ी सी स्पेस मिल रही है और ये काफ़ी सारे सैनिटाइजर आप यहाँ रख सकते हो। पावर विंडो का बटन, अनलॉक हैंडल आपको सिल्वर में दिया है, ये ग्रिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे आपको ये फिनिश में मिल रहा है आपको ये कुछ सॉफ्ट टाइप का आपको प्लास्टिक मिलता है इसके अंदर। और यहाँ पे स्पीकर मिल रहा है, 6 स्पीकर सेटअप आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। जो सीट कवर्स और मैटिंग है ये बाद में लगाई गई है, सीट कवर्स आप देख रहे हो कैसी है। तो ये एक्स्ट्रा कॉस्टिंग इसकी 20,000 हुई थी जो हमने बाद में लगाई थी। तो ये आपका ड्राइवर साइड डोर है, चारों पावर विंडोज के बटन और यहाँ पे आपका ORVM के कंट्रोल आ गए। तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूअल फिनिश में आपको ये मिल जाता है इसका इंटीरियर यहाँ पे देखने को, एंड यहाँ पे स्कफ प्लेट मिलती है, ये मेटालिक में मिल रही है आपको यहाँ पे।
नीचे आपको फुटरेस्ट और ये तीनों पेडल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये फ्यूल लिड ओपनर, ये हेडलाइट लेवलर और ये ब्राइटनेस का कंट्रोल आपको यहाँ देखने को मिलता है। कि कीज आपको कुछ ऐसे देखने को मिले, तो ये फ्लिप की आती है आपकी। यहाँ पे आपको इसमें लॉक अनलॉक और ये बूट ओपन का बटन यहाँ पे दिया गया है। तो ये कीज है, इसको इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे की इंसर्ट आपको इल्यूमिनेशन के साथ मिल जाएगा। तो ये सीट आपको 6-way एडजस्टेबल मिल रही है विद हाइट एडजस्टमेंट, मैनुअली है, और उस साइड भी आपको मिल जाएगा। काफी सेटिस्फाइंग साउंड है गाड़ी को बंद करने की। तो अब बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की, ग्रिप इसकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल पहले से ऐसे मिल जाते थे, बीच में महिंद्रा की बैजिंग दी गई है। यहाँ पे आपको सारे मीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं, कॉल, कट एंड रिसीव और वॉल्यूम बटन। और यहाँ आपके आ जाते हैं वॉइस कंट्रोल और ये क्रूज कंट्रोल आ गया। यहाँ पे सेट एंड रीसेट कर सकते हैं इसको आप। ये आपका डायलर आ गया एंड होपफुली अभी जो नया आने वाला है उसमें पूरी आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी, जैसे मर्सिडीज की हायर क्लास कार्स में आपको देखने को मिलती है। आप तो हर एक गाड़ी में वैसी आ रही है, तो ये ड्यूल स्क्रीन आपको यहाँ सेटअप मिलेगा देखने में नई गाड़ियों में, बट करंटली आपको ऐसा मिल रहा है। यहाँ पे टेकोमीटर आ जाता है और इस साइड पे आपका स्पीडोमीटर दिया गया है। और ये गाड़ी सिंगल हैंडेड है और ये गाड़ी सिर्फ 22,804 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर आप इसे लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे जाके कमेंट में बता सकते हो। गाड़ी की टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी गाड़ी की जो भी कंडीशन है वो आपने देख ही ली है कैसी है। बाकी वीडियो में बने रहिए आगे डिटेल्स जानने के लिए। तो इसका एक ड्राइविंग रिव्यू भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ अपने ही चैनल पे, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, तो उसका रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। तो आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी मैं शेयर कर लूंगा कैसी लगती है। यहाँ पे आपको इसके सारे लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको इसके वाइपर कंट्रोल्स देखने को मिल रहे हैं फ्रंट एंड रियर के। बीच की बात की जाए तो दोनों एसी वेंट्स साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपकी टच स्क्रीन डिस्प्ले आ जाती है, करंटली FM है। यहाँ पे होम पे दबाते हैं तो ये कुछ इसकी ऐसी होम स्क्रीन है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो डैश है यहाँ पे ये सेम फिनिश में आ जाता है, कुछ ऐसी फिनिश आपको यहाँ इसके डैश पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा सामान आ सकता है, हल्का फुल्का कार्ड्स वगैरह, कॉइन होल्डर, इसको आप यूज कर सकते हो ऐसे। ग्लव बॉक्स आपको इसमें दो मिल रहे हैं, एक ऊपर यहाँ पे मिल रहा है और नीचे एक और दिया गया है, तो आप काफी ज्यादा सामान इसमें रख सकते हो। बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको इसमें ये मीडिया के सारे कंट्रोल्स मिल रहे हैं, ये नॉब वॉल्यूम की मिल रही है इसमें। तो साउंड क्वालिटी आपने सुन ली, 6 स्पीकर सेटअप इसमें मिल रहा है। होम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मीडिया, फोन के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ये मिल जाता है। यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाएगी, तो इनबिल्ट नेविगेशन के साथ आपको ये देखने को मिलता है। ये आपका ई मैनुअल आ गया, यहाँ पे कार इन्फो दिख जाती है सारी। तो फ्यूल इकोनॉमी, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी है और बाकी सब अलर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। सर्विस इन्फो वगैरह जब भी आपकी सर्विस ड्यू होगी तो वो सारा डाटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये आपके नेविगेशन के शॉर्टकट्स, इनके हिसाब वहाँ टच ना करना चाहे तो यहाँ पे भी आपको सारे बटन्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको एसी कंट्रोल मिल रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है तो इससे आप सेट कर सकते हो। ये आ गया आपका हैजर्डस स्विच यहाँ पे, तो हैजर्डस स्विच के साथ आपको ये स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। ये एम्बिएंट लाइटिंग के बटन है, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो डोर्स के साइड की और ऊपर यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग ऑन हो जाती है। तो अभी हल्की सी आपको दिख रही होगी क्योंकि इस टाइम पे डे लाइट में हम शूट कर रहे हैं तो आपको इतना क्लियरली ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन रात में काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको IRVM मिल जाते हैं मैनुअली कंट्रोल के साथ। यहाँ पे आपको मिल रहा है सन वाइजर और इसकी एक अच्छी बात है ये आपका एक्सटेंडर के साथ मिल जाता है आपको, तो यहाँ पे ये एक्सटेंडर आपको मिलता है साथ में। और ये दूसरी साइड का है तो इसमें वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर देखने को मिलता है और दूसरी साइड ये आपको ये एक अल्ट्रा वाइड व्यू मिलता है बैक का, आपको इसका मिरर आपको मिल रहा है। और यहाँ पे आपकी दी गई है लाइट्स जो कि वाइट कलर की दी है LED लाइट्स, तो काफी अच्छा टच है इनका भी यहाँ पे। और स्पेशली ये जो एम्बियंट लाइट है ये मेरे को देखने में काफी अच्छी लगती है, रात में इसका व्यू बहुत ही अच्छा आता है। ये दिया गया इसका गियर लीवर और यहाँ पे 6-speed मैनुअल के साथ आती है, 1 reverse और ये थोड़ी सी स्पेस आपकी स्टोरेज की दी गई है। यहाँ पे 12-volt चार्जिंग सॉकेट भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आप अपना ये लगा सकते हैं और 2 ports आपके यूजेबल हो जाएंगे चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है, आपके कप होल्डर्स आ गए इसमें 2 और ये आ जाता है इसमें इसका ग्लव बॉक्स, ये अलग से एक और स्टोरेज इसमें आ जाती है। तो ये 2 compartments हैं, तो फर्स्ट वाले को आप ओपन करोगे ये ऊपर की स्पेस आपकी ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे आप
सेकंड वाले को क्लिक करोगे तो ये डीप स्टोरेज मिल जाएगी। ये कूल ग्लोव बॉक्स है आपका, आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हो। ऊपर की साइड आपको ये कुशन मिल रहा है, तो ये आपने बाद में ऐड करवाया था सीट कवर्स के साथ, जो कि 20,000 की यहाँ पे पड़ी। अब आ जाते हैं रियर सीट्स पे। यहाँ पे आपको बी पिलर्स पे भी ये एसी के वेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। नीचे आपको स्कफ प्लेट मिल रही है, ये बाद में लगाया गया है इसकी जो मैटिंग है। तो सबसे पहले आपको थर्ड रो सीट्स में मैं जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्पेस है। फॉर द रेफरेंस मेरी हाइट है 5'7" और नीज के लिए बस थोड़ी सी जगह आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर मैं इसको पीछे भी करता हूँ सीट्स को तो दिखाता हूँ, मैंने इनको पीछे कर लिया पूरा, बस यहाँ पे हल्की सी स्पेस मिल रही है। अगर थोड़ा ज्यादा लंबा बंदा है तो प्रॉब्लम होगी, लॉन्ग जर्नीज के लिए बच्चों के लिए ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये एसी वेंट देखने को मिल रहे हैं और ये नेट की सपोर्ट आपको यहाँ मिल रही है कुछ सामान रखने के लिए। कप होल्डर यहाँ पे आपको मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर मिलेगा, ये फैन फ्लो कम ज्यादा करने के लिए। यहाँ से एक अलग से एक्स्ट्रा नेट, ये वाली विंडो आपको पूरी क्लोज मिलेगी, बट ये एक वाइंड विंडो है तो आपको काफी ज्यादा लाइट वगैरह यहाँ से आएगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो अब आ जाते हैं रियर सीट्स पे, अंदर चल के बैठ के देखता हूँ। यहाँ पे आपको 60-40 में स्प्लिट सीट मिल जाएगी, तीनों ही सीट्स के साथ आपको हेडरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे ये आर्मरेस्ट मिल रहा है विद 2 कप होल्डर्स। तो अब मैं इसकी रियर सीट्स पे आ गया हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लेग रूम है वो काफी ज्यादा मिल रहा है, इवन मैं अपनी लेग्स ऐसे फोल्ड करके भी आराम से बैठ सकता हूँ। और अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना हो तो यहाँ पे एक लीवर को मैं हल्का सा पुल करूंगा और आराम से इसका रिक्लाइन एंगल भी मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है ये भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऊपर का जो हेडरूम है ये भी मेरे को बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिल जाएगा इसका ग्रैब हैंडल और इसके साथ एक और हुक दिया है, ये आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी। सेंटर में एक लाइट मिल रही है आपको और ऊपर की साइड भी आपको एक लाइट मिल रही है। तो बहुत सारी लाइट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और आगे की लाइट्स तो ऑलरेडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट डैश का लुक कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे नेट स्पेस भी मिल रही है जिसको मैप पॉकेट बोलते हैं। बाकी सारी स्पेक्स आपको इस गाड़ी की पता ही है। तो अब होपफुली जो नई वाली XUV 700 जिसका नाम रखा गया है वो इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच आएगी वो। तो ये थी XUV 500 जिसकी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पर जाके पूछ सकते हैं और अपने गाड़ी की टोटल रनिंग और कंडीशन देख ही ली है तो अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। साथ में किस प्राइस में सेल होनी चाहिए तो वो भी आप रिकमेंड कर देना नीचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।